सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 16वें सूक्त के जो है मंत्रों के आगे 17वें सूक्त का बहुत ही सुंदर मंत्र है। 16 के कई मंत्र बहुत ही विशेष हैं, उनको स्वाध्याय हम करेंगे। आज हम प्रथम छठे मंत्र का पहले मंडल के 16वें सूक्त के छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर बात कही है। हम प्रभु के गुणों को धारण करें, जीवन को यज्ञमय बनाएं तथा शक्ति व सहिष्णुता से परिपूर्ण हो। शक्ति संपन्नता हमारे अंदर हो, सहिष्णुता हो। मैं इसको पहले लिख देता हूँ वेद मंत्र को, फिर आगे इसकी चर्चा करता हूँ। ओम इमे सोमास इंदवः सोमास इंदवः सुतासो अधि बर्हिषि। अधि बर्हिषि, ता इंद्र सहसे पिबा। इमे सोमास इंदवः सुतासो अधिबर्हिषि। ता इंद्र सहसे पिबा। इमे सोमास इंदवः, इमे जैसा कि जो हमारे शरीर में सोमकण सुरक्षित होने पर शरीर में ही इसका
व्यापन होने पर इंदवः व्यक्ति जो है यदि परम ऐश्वर्य वो परम ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जब हम जान कणों को आत्मसात करते हैं और शरीर के अंतिम जो धातु है उसको जब हम सुरक्षित करते हैं तो अंतिम धातु निश्चित रूप से जो हमारे शरीर को बहुत ही विकसित करती है, मस्तिष्क को भी विकसित करती है। तो ऐसी सोमासः ये जो सोम कणों को सुरक्षित करने पर शरीर में ही इसका समस्त अवशोषण कराने पर व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। टू बी पावरफुल, वह तुझे शक्तिशाली बनाने वाली है ऐसी शक्ति, और ये ही तो संपूर्ण शक्ति के मूल हैं। ये सुतासः जो कहा है, सुतासो सुतासः अर्थात उत्पन्न किए गए सोमकण अधिबर्हिषि वासना शून्य हृदय में ही होते हैं। अर्थात जब तक हृदय में वासना है तब तक व्यक्ति सोमसुत या सोम का रक्षण करने वाला नहीं हो सकता है। व्यक्ति का जब स्वभाव वासना से रहित हो जाता है, वासनाओं से रहित होता है, तभी इन सोम कणों की शरीर में उत्पत्ति स्थिति होती है। हृदय के वासनाओं से भरे होने पर भोजन से कुछ जो है विष उत्पन्न होते हैं जो शक्ति के ह्रास का कारण बनते हैं। कितना भी व्यक्ति बहुत ही स्वादिष्ट और बलवर्धक भोजन करे, बलवर्धक भोजन करने पर भी, पुष्टि वर्धक भोजन करने पर भी जब व्यक्ति का विचार कुत्सित होगा, उसके अंदर वासनाएं होंगी, तो कितना भी अच्छा भोजन करें वह भोजन भी विष के समान ही होता है। और यदि इंद्रियजित होकर के, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके हम संयमित होकर के भोजन करते हैं तो उसका परिपाक भी ठीक होता है, और उस परिपाक से फिर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, तेज, ओज आदि धातुओं का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा है कि मन हमारा मलिनता से रहित हो, तेजस्विता हो, पवित्रता हो, शुचिता हो, ऐसी भावना से जब हम ओतप्रोत होंगे तो निश्चित रूप से हम सोम कणों का आधान करने वाले होंगे और वासनाओं से रहित होंगे। जब व्यक्ति सोम कणों का रक्षण नहीं कर पाता है, अर्थात इंद्रियों पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, संयमित जीवन उसका नहीं होता है, तो व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के दुर्गुण आने लगते हैं, अवगुण आने लगते हैं, और वह व्यक्ति क्रोधी होने लगता है। क्रोध आएगा उसको, मोह सताएगा, शोक सताएगा, लोभ भी सताएगा। भाव यह है कि वीर की रक्षा के लिए ये सहायक ना हो करके प्रत्युत वीर शरण का, धातु के शरण का कारण बनते हैं। क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, छल कपट से युक्त व्यक्ति, कामुकता से युक्त व्यक्ति कभी भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है, वो कभी भी सोम का रक्षण करने वाला नहीं बनता है। और जिसके फल स्वरूप जब वासना शून्यता नहीं उसके अंदर आती है तो अनेक प्रकार के रोगों के द्वारा वो जो है आच्छादित कर लिया जाता है, अनेक प्रकार के उसको शारीरिक और मानसिक रोग सताने लगते हैं। इसलिए इससे यदि ऊपर उठना है तो ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि वासना से रहित हो जाए, वहाँ वासना से रहित होकर के ही वीर का रक्षण होगा, सोम का आधान होगा, और सोम कणों की रक्षा से हमारे अंदर शक्ति संपन्नता निश्चित रूप से विकसित होगी। जब तक हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, वासनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक यह करना असंभव है। और आगे उपदेश कर रहे हैं कि हे इंद्र,
जितेंद्रिय पुरुष, क्योंकि इदि परम ऐश्वर्य जितेंद्रिय है वो इंद्र, तो इंद्र जो है वो एक पुरुष है, इंद्र हमारे शरीर में आत्मा है और हम इस प्रकार से इंद्रिय जो इंद्र होता है वो देवताओं का राजा होता है, तो हमारी इंद्रियां भी क्या हैं, देवता हैं, हमारी इंद्रियां क्या हैं, सारी देवता है और इसका राजा कौन है, आत्मा है। तो इस प्रकार से हे जितेंद्रिय पुरुष अर्थात पुरुषेति पुरुषा, जो इस शरीर में रहता है वह कौन कहलाता है, वह पुरुष कहलाता है। तो उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष, तू सहसे सहन शक्ति की प्राप्ति के लिए तान उन सोम कणों को पिब पीने वाला बन। जितना जितना हम इस सोम कणों का रक्षण करते हैं उतना उतना ही हम साहस वाले बनते हैं और हम में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब तक हम इसको आधान करने का सामर्थ्य नहीं अर्जित करेंगे अर्थात इसका पान नहीं करेंगे, जब तक हम जो है वाज जो शक्ति है जब तक वाज पे ही नहीं बनेंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। तो वाज पे ही जो शक्ति संपन्नता है, जो सोम का सोमपा सोम को पीने वाला अर्थात अपने बल का अपने सामर्थ्य का सदा बढ़ाने वाला, जब तक नहीं बनेंगे तब तक इस शरीर का रक्षण नहीं हो सकता है। यदि हम इसके रक्षण का उपाय सोचना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, तो जैसा कि वेदों में कहा है, जैसा कि ऋषियों ने हमको संकेत किया है, वैसा जीवन जीना पड़ेगा और इससे हमारे अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। सोम का रक्षण न होने से ही चिड़चिड़ापन आने लगता है, खीज उठने लगती है और झट से व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। ऐसी वृत्ति से यदि हम निवृत्ति चाहते हैं, ऐसे स्वभाव से यदि हम निवृत्त होना चाहते हैं कि चिड़चिड़ापन ना आए, क्रोध ना आए, हमारे अंदर शालीनता का भाव हो, हमारे अंदर बहुत ही विशालता का भाव हो, तो निश्चित रूप से हमको सोमपा अर्थात सोमासा जो कहा है यहाँ पर, सोम का पान करने वाला बनना चाहिए, सोम कणों को रक्षित करने वाला सुरक्षित करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि इसकी रक्षा से हमारी रक्षा है और इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा भी कभी भी नहीं हो सकती है। परमात्मा निश्चित रूप से हमारे शरीर में सुरक्षित सोम कण बल व सहन शक्ति को उत्पन्न करते हैं और इनका रक्षण हृदय के वासना शून्य होने पर ही होता है। जब तक वासना है तब तक इनका इनकी सुरक्षा, इनकी जो स्थिति है, जो गति है, वो नहीं हो पाएगी और हमारा शरीर भी ठीक ठीक नहीं चल पाएगा। इसलिए सोम का पान करने वाले बने, सोम का रक्षण करने वाले बने, तभी इस जीवन का और इस जगत का हम कल्याण कर सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परमात्मा की दी हुई यह शरीर, दी हुई ये देह है और देही जो इसमें व्यवस्थित है, इस व्यवस्था में उसकी जो यह सारी संसार की जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें यदि हम अपने आप को उन्नत बनाना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को सुंदर चलाना चाहते हैं, तो हमको अंतिम जो धातु है उसकी रक्षा के लिए सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा अलग अलग ग्रंथों में इसको लेकर के की गई है कि हठ योग प्रदीपिका में तो इसको कहा है कि यदि एक जो है यहाँ जैसे कहा है कि हम सोम कणों का रक्षण करें ताकि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित हो, हम छोटी सी कोई भी दुर्घटना घटती है तो दुखी हो जाते हैं, छोटी सी घटना में व्यथित हो जाते हैं, तनावग्रसित हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के ऐसे जाल में फंस करके हमारा स्वभाव बहुत ही दयनीय हो जाता है, तो इससे निश्चित रूप से हमारी मृत्यु निकट होती है, हम बार बार मरते रहते हैं। दुख आना
बार बार ग्लानि में जाना ये मृत्यु ही है। इससे बचने का उपाय ये है कि हम अपने सोम कणों का रक्षण करें, अपने जितेंद्रियता की जो रीति है ऋषियों ने जो बताई है उसको आत्मसात करें। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात् यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत कालम भयम कुतः। बहुत ही सुंदर बात कही है कि इसको आप लिख लीजिए, ब्रह्मचारियों के लिए तो विशेष है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो ब्रह्मचर्य का क्षरण नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य यहठ योग प्रदीपिका का एक श्लोक है जो वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है, उसको हम यदि पूरा करना चाहते हैं तो इस उपदेश को जरूर आत्मसात करें। मरणम बिंदु पातेन, जीवनम बिंदु धारणात्, जीवनम बिंदु धारणात् यावत बिंदुः स्थिरो देहे यावत बिंदुः स्थिरो देहे तावत काल भयं कुतः। बहुत सुंदर बात कही, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात् यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयं कुतः। कहा कि यदि शरीर में जो है बिंदु धारण करने से हमारा जीवन चलता है, और मरणम बिंदु पाते न, यदि हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, यदि हमने सोम का पान नहीं किया, सोम कणों की यदि हमने रक्षा नहीं की, तो निश्चित रूप से समझिए कि शुक्र के स्खलन से मृत्यु और उसके धारण से जीवन होता है। अनेक बार हम अपने विचारों से, अपने आहार से, दूषित आहार से या राजसिक आहार से, तामसिक आहार से अपने इस जीवन को समाप्त कर बैठते हैं। हम जैसा कि हमारे ऋषियों ने जीवन को जिया है, वैसे जीवन को जीने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यावत बिंदु स्थिरो देहे, जब तक शरीर में हमारा सोम है, वीर है, जब तक स्थिर है, तब तक किसी प्रकार का जो है मृत्यु का भय नहीं होता है, मृत्यु का भय सता नहीं सकता हमको। इसलिए उत्साह के साथ, अपने शक्ति संपन्नता के साथ जीवन को हम जब बिताते हैं तो वह परमात्मा हमको शक्ति देता है, अपार शक्ति देता है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और साहसी हम बनते हैं। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए हमारा जीवन बहुत ही अनुकरणीय हो जाता है, श्लाघनीय हो जाता है। इसलिए युवा अवस्था में
चाहे युवक हो या युवती हो, दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण रूप से जान का आधान करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। और यह संसार हमको बहुत सुंदर जीवन बनाने के लिए मिला है, और इस जीवन को यदि हमने अच्छा नहीं बना पाए तो बहुत ही हानि होगी और बाद में केवल पश्चाताप ही हमारे साथ जाएगा। तो ऐसा काम करें, ऐसा उपदेश जो हमको मिलता है वेदों से, ऐसा उपदेश जो ऋषियों से मिलता है, इसको हम अपने स्वभाव में उतारें। इसलिए कहा है, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है साथी मगर नहीं। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथ साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन पाके भी यूं ही गंवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो। शुभ कर्म करो अब से ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो ऐसी कमाई हमको करके जाना है कि हम किसी भी प्रकार से हताश निराश न हो, हम अपने जीवन को और इस जगत को उन्नत बनाने वाले बने, अपने जीवन में खूब प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ सारे कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले बने और संसार को भी उत्साह दे सकें, संसार के अंदर भी भक्ति का, श्रद्धा का, सामर्थ्य का आधान कर सकें। जैसे जैसे हमारे जीवन में, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो पालन है, जो संयमित जीवन है, जो मर्यादित जीवन है, उससे बढ़कर के सुंदर जीवन और कोई हो नहीं सकता है। इसका रसास्वादन करके ब्रह्मचारी जो पूर्ण रूप से सोमपा है, जो तेजस्वी है, जो ओजस्वी है, उसको इतना उत्साह होता है कि उस पृथ्वी को उठा करके इधर से उधर रख सकता है। ऐसा अलंकारिक वर्णन भी है। और अपने जीवन में भी हम इतना साहस, अदम्य साहस होता है जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे
जैसा कि इस वेद मंत्र में कहा है, इमे सोमासा इंदवः सुतासो अधिबर्हिषि ता इंद्र सहसे पिब, वो सामर्थ्य देता है, वो सहन शक्ति देता है जो सोमकण का रक्षण करने वाला होता है। सोमकण के रक्षण से बल बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है और इसके रक्षण के लिए हमको वासना से शून्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। वासनाओं को हमको उपासना से दबा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये वासनाएं मुँह उठाती रहती हैं और हमको ठगती रहती हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट आते रहते हैं। तो हम सच्चे सोमकणों के रक्षण वाले बने, ज्ञान के रक्षण वाले बने, ताकि यह जीवन और जगत सुंदर बन सके, दिव्यता से हम इसको भर सकें। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।